जय माँ डोगरी, मैं आपसे सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगु और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम मानसर में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे यहाँ पर देखिए एक बैनर लेकर काफी सारे लोग खड़े हैं। इस बैनर का क्या मायने है और ये लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं, इनसे बात करेंगे। सर, इस बैनर के क्या मायने हैं और आपकी मुहिम क्या है, इसलिए आप यहाँ पर मानसर में मौजूद हैं? नमस्कार सर। बेसिकली हमारी पूरी टीम है, ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर की जितने भी ऐसी जो चीज़ें हैं जहाँ मतलब वाटर सोर्सेज चीज़ें या इन्वायरमेंट से चीज़ें, हम उनको साफ करने की कोशिश करते हैं और ये जताते हैं लोगों को कि कितनी ज़रूरी है कि अगर हम थोड़े से लोग अगर ये चीज़ें करेंगे तो हमसे तो नहीं होगा पूरा, लेकिन हमें देख के अगर बाकी लोग भी करेंगे तो अच्छी बात है। तो उसी तरह आज हम मानसर लेक के पास यहाँ आएँ और एक अवेयरनेस का मतलब कंपेन चला रहे हैं कि जैसे हम यहाँ जो लोग बाहर से टूरिस्ट आते हैं कहीं भी लिफाफे वगैरह छोड़ देते हैं, क्योंकि खाना वगैरह खाते हैं तो डस्टबिन वगैरह में नहीं डालते, तो हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से वगैरह में डाली जाए, क्योंकि इससे सफाई रहेगी, जब सफाई रहेगी तो और भी टूरिस्ट आएगा और इससे बेइज्जती भी है, क्योंकि जो लोग जम्मू एंड कश्मीर के बाहर से लोग आते हैं अगर वो गंद दिखेगी तो शायद नेक्स्ट टाइम ना आए। तो यही मुहिम लेके हम यहाँ आए थे और हमने पूरे उसमें जुटे हुए हैं और अभी काफ़ी लोग हमसे वो भी जुड़ रहे हैं जो मतलब हमारे एनजीओ के पार्टनर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं हम भी सफाई करेंगे। तो यही मुहिम हम लेके जाते हैं जगह जगह पर। हमारा नेक्स्ट टारगेट ये भी है कि जो नियर बाई जो जम्मू डिवीजन के अलग अलग जगह हैं वहाँ भी हम जाएँ और ये आपके माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सबके साथ कि जब कोई टूरिस्ट जगह होती है उसको आप इंजॉय करो, अच्छे तरीके से खूबसूरती का लुक लो, लेकिन इसको ख़राब ना करें और अगर लगता कि कोई गलत कर रहा है उसको समझाएं। जैसे हम अभी सब यहाँ आए, हमारे अगर आप देखेंगे हमारे एनजीओ टीम में कोई एज का फर्क नहीं है, 60 साल से ऊपर भी हैं और यहाँ 15 साल से नीचे के लोग हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। हम बस सब यही अवेयरनेस मतलब कंप्लेन चला रहे हैं कि गंद वगैरह ना की जाए और जो रिसोर्सेज है नेचुरल को नेचुरल रहना दिया जाए। ह्यूमैनिटी एड का कहना है कि टूरिस्ट कहीं पर भी जाता है लेकिन उसे एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्वच्छता का। आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पिए, लेकिन गंदगी मत डालिए। और इनका कहना है कि हम इस तरह से जाते हैं, जहाँ भी कोई टूरिस्ट मिलते हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उन्हें हम समझाते हैं और साफ़ सफाई का हम ध्यान रखते हैं, जहाँ गंदगी दिखती है उसे एकत्रित करके डस्टबिन में डालते हैं ताकि हमारे जम्मू कश्मीर में और क्या पूरे हिंदुस्तान में साफ सफाई रहे। जय जम्मू, जय भारत।